आपको भी आपके बाल बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे ना, इसलिए आप भी अपने बालों का बहुत प्यार से कॉम करते हैं जिससे कि आपके हेयर फॉल भी ना हो और आपके हेयर ब्रेकेज भी ना हो। सो जब आपको लगता है कि आप आराम से कर रहे हैं, हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तब आप देखते हैं कि जो आपके कॉम रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेयर आ गए रहते हैं हेयर फॉल के कारण। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ कम्प्लीटली देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सताक्षी बघेल। सो आप टाइटल देख के जान गए कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। सो मॉनसून स्टार्ट हो चुका है और मॉनसून में हमें सबसे ज़्यादा होता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। सो क्या आपको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन सबसे प्रेस कर दीजिए जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। So, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मॉनसून में हेयर फॉल क्यों होते हैं, उसका रीजन और उसका सॉल्यूशन। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि हेयर फॉल मॉनसून में क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। सो ह्यूमिडिटी के कारण हमारे हेयर फॉल होते हैं। मॉनसून में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है जिससे कि हेयर फॉल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो सेकेंड है कि आपके जो स्कैल्प है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इसलिए आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। और जो थर्ड है कि आपके में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। यस फ्रेंड, डैंड्रफ से भी हेयर फॉल होते हैं। सो जो फोर्थ है कि आप बारिश के पानी में भीगते हैं, बारिश के पानी से भी आपके हेयर फॉल्स होते हैं। और जो फिफ्थ रीज़न है वो है कि जो आपके रूट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इसलिए आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। सो आप रीजन जान चुके हैं कि मॉनसून में हेयर फॉल क्यों होता है। सो फ्रेंड्स, हमने रीजन की तो बात कर ली कि हेयर फॉल होते क्यों है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सो द सॉल्यूशन में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, जिस टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और रुक भी सकते हैं। सो जो टिप नंबर वन है, आप कभी भी घर से बाहर जा रहे हो, बारिश हो रहा है, तो आप अपने सर को ढकिए, अपने बाल को ढकिए। आप अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं, आपको रेन वाटर से अपने हेयर को प्रोटेक्ट करना है। टिप नंबर सेकेंड है कि अगर आपके बाल बारिश के पानी में भीग चुके हैं रेन वाटर में, सो आपको घर आके तुरंत अपने बालों को वॉश करना है माइल्ड शैम्पू का यूज करके। टिप नंबर थर्ड है कि आपको ऐसे शैम्पू यूज करना है जिसमें पैराबिन और सल्फेट्स ना हो। सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ममा अर्थ या वाओ की शैम्पू आप यूज कर सकते हैं, उसमें पैराबिन और सल्फेट्स नहीं होते हैं। टिप नंबर फोर्थ, आपको शैम्पू से ज़्यादा कंडीशनर का यूज करना चाहिए मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये मेनली आपको फोकस करना चाहिए कि आपको अपने हेयर को अच्छे से कंडीशन करना है। सो टिप नंबर फाइव है कि आपको इनफ वाटर पीना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है जिससे कि जो आपके हेयर है वो ड्राई आउट ना हो, इसलिए आप ज़्यादा पानी पीजिए। सो जो टिप नंबर सिक्स है कि आपको हमेशा वॉर्म ऑयल से आपको अपने स्कैल्प का मसाज करना है। आपको ये ज़रूरी होता है मॉनसून में कि आप थोड़े तेल को गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही अपने हेयर पे अप्लाई करिए, अपने रूट्स पे अप्लाई करिए स्कैल्प पे। सो आप इसको भी फॉलो कीजिए। टिप नंबर सेकेंड है कि आपको अपने बालों पर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है मॉनसून में खासकर, जिससे कि ज़्यादा ड्राई आउट हो जाए आपके स्कैल्प और आपको जो हेयर है वो। सो अगर आप कलर करें अपने बालों को तो आप मेहंदी का यूज करिए, आप जो केमिकल वाले कलर्स हैं उनका यूज मत करिए। तो जो टिप नंबर एट है कि आपको हेयर स्प्रे का और हेयर जेल का यूज नहीं करना है मॉनसून में। सो अगर आप इन एट टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो आप इन टिप्स को फॉलो करिए। सो उसके बाद है कि हम अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं और अपने बालों को ड्राई आउट होने से भी कैसे रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बालों को कंडीशन करना है, आपके बाल अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं मॉनसून में, सो आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल या फिर आप यूज़ कर सकते हैं बनाना और हनी का हेयर मास्क। उसके बाद आता है कि आप हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में। सो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन का ऑयल जो कि काफ़ी बेस्ट होता है। सो आप मार्केट से बाय भी कर सकते हैं, ममा अर्थ का आता है, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं ऑनियन ऑयल। या फिर अगर आपको घर पे बनाना है तो उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अगर शैम्पू की बात करें तो मैं पर्सनली वाओ का शैम्पू यूज़ करती हूँ। सो आपको जो हेयर प्रॉब्लम है आप उस टाइप के शैम्पू का यूज़ करिए।
सो मुझे एक प्रॉब्लम होता है मॉन्सून में कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाते हैं, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ वाव का हिमालयन रोज शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि आपके फ्रीजनेस को दूर करता है आपके बालों को और ड्राई आउट नहीं करता है। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप इन शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद है कि हेयर फॉल के लिए कौन सा बेस्ट हेयर मास्क है। सो आप आंवला गीठा और शिकाकाई का यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। सो मैं भी पर्सनली उसे ही यूज़ करती हूँ। सो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि इस मॉनसून आपके हेयर फॉल में कंट्रोल हो जाए तो इन छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करिए, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप से। सो आप अपने बालों का केयर करिए, अच्छे से ऑयलिंग करिए और शैम्पू करिए। अगर आप मेरे हेयर केयर रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आपको हेल्पफुल लगे हो सो इन टिप्स को आप फॉलो करिए और आपकी हेयर फॉल काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ हेयर रिलेटेड वीडियो चाहिए जैसे कि डैंड्रफ के ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे हेयर रिलेटेड वीडियोस बनाते रहती हूँ। और आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है सिताक्षी बघेल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय।